बस्तर सिर्फ नक्सलवाद से नहीं कराह रहा है बल्कि वहां दर्द की और के भी वजह हैं। ये तस्वीर भी बस्तर से के एक दर्द को बयां कर रही है जिसमें घायल को इलाज के लिए आज भी दो दिन तीन दिन रात रात भर खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। वास्तव में घटना है बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक के गाँव में, जहाँ पे हिरपा पोमड़ा नाम के गाँव है, जहाँ 18 साल का युवक गणेश पेड़ से गिर करके घायल हो गया तो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए दो दिन लग गए। गणेश के परिजन और गांव वाले उसे खाट पर लिटाकर 50 किलोमीटर तक पैदल चलते रहे। बीच में पड़ने वाले तीन पहाड़ को भी पार किया तब जाकर दंतेवाड़ा में अस्पताल तक पहुंच पाया। गणेश हफ्ते भर पहले चापड़ा लेने कुसुम के पेड़ पर चढ़ा था, यहाँ से गिर कर घायल हो गया। बिना सुविधा के घर पर ही जड़ी बूटियों से उपचार चल रही थी, तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो मंगलवार की शाम परिजन खाट पर लेकर पैदल निकले। दो दिन दो रात लगातार 50 किलोमीटर पैदल चले, तीन पहाड़ों को पार किया तब जाकर ये दंतेवाड़ा जिले के फरसपाल गांव तक पहुंचे। यहां के एक ग्रामीण ने देखा तो तुरंत संजीवनी 108 को कॉल कर बुलाया। एम्बुलेंस गांव पहुंची, कर्मी रविंद्र कुमार व अशोक सिंह की मदद से मरीज को दंतेवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि बिना खाना पीना साथ लिए निकले इन लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है, किस तरह गणेश को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गई है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।